वेलकम टू स्ट्रीट स्टोरीज। आज हम जा रहे हैं मुंबई से अराउंड 2300 किलोमीटर दूर अपने विलेज जो है हिमाचल में। एक्चुअली अलकाज मॉम वॉज स्टक देयर ड्यू टू लॉकडाउन एंड वो जनवरी से वहीं पे थी एंड शी इज राइट नाउ फेसिंग फ्रॉम सम नी प्रॉब्लम। सो वी डिसाइडेड टू गो बाय कार एंड गेट हर बैक टू मुंबई। हिमाचल तक का सफर हम करेंगे आराम से एंड वी विल ट्राई टू कवर अराउंड 700 किलोमीटर इन अ डे। हम रात को ड्राइविंग नहीं करने वाले हैं एंड विल ट्राई टू स्टे इन अ क्लीन डिसेंट अकोमोडेशन ड्यूरिंग नाइट। वी हैव टेकन द NH-48 हाईवे विच स्ट्रेटली कनेक्ट्स यू टू द अहमदाबाद एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। वापी में हम लोग ने लिया है एक छोटा सा ब्रेक फॉर अ क्विक ब्रेकफास्ट। सारे काम बाद में दिखते हुए पापा मम्मी पापा को तेरा नहीं बोलूंगा। शक्कर का मैं तो डाल देना शक्कर खाएगा। इट इज राइटली सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वी हैव टेकन ऑटमोस्ट केयर टू टेक ऑल द एसेंशियल आइटम्स फ्रॉम आवर प्लेस सो दैट वी डू नॉट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग or maybe buying any stuff from outside. Right from the hand sanitizer to big Bisleri bottles, we have carried everything. Also, if you are planning a road trip, please ensure you carry good amount of food and snacks with you. It is also very important to check your car's condition before you start the trip. Ensure your tires, your braking system and your engine cooling system is in proper order. Road ki condition is really good. You can easily drive without any tension. एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको रास्ते में बहुत सारे टोल्स मिलेंगे। श्योर कि आप अपनी गाड़ी में फास्ट टैग लगवा लें। फास्ट टैग आपको कोई भी सिग्नल में मिल जाएगा। वहाँ पे आप पेटीएम वाले देख सकते हो जो बोर्ड साइनेज लगा के घूमते हैं। यू कैन बाय अ पेटीएम फास्ट टैग फ्रॉम देम। इट्स एक्चुअली वेरी इजी। देयर आर कपल ऑफ रीजंस व्हाई वी रिकमेंड यू टू यूज फास्ट टैग। वन, आपको लाइन में नहीं लगना होगा। अगर आप कैश पेमेंट करते हो देयर आर ह्यूज लाइंस अक्रॉस द टोल्स on this route. Second, FASTag will avoid direct contact with the sales person. अगर आप cash में transaction करते हो तो हर बार आपको hand sanitize करने पड़ेंगे after taking the cash or the receipt. And the third and the most important thing कि आपको cash transactions नहीं करने पड़ेंगे. So आप अपना cash आगे के लिए save कर सकते हो। अहमदाबाद के बाद हमारा next destination is मोडासा। After completing around 650 kilometers, हमने लिया है night stay का decision. So guys, it's 4 o'clock in the morning और हम अभी निकल पड़े हैं हमारे day 2 के सफर में. And today we plan to reach at least nearby the Himachal border because यहाँ से वो distance is around 1400 kilometers. And जिस हिसाब से हम चल रहे हैं with the family, हमें लगता नहीं हम शायद आज शाम तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे. But we'll try our best. हम लोग ने कल रात को कुछ ब्लॉग भी नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे. तो हम लोग ने 7:30 को ही हॉल्ट ले लिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड रास्ते में बहुत ज़्यादा खड्डे थे. तो वी थॉट ऑफ स्टॉपिंग बाय एंड हम रात को कुछ 8-8:30 बजे ही सो चुके थे. यू कैन सी अलका इज स्टिल फीलिंग स्लीपी। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। दिस इज द होटल गाइस। Good morning. You guys, we have taken a chai break here. वापस करो आप करो ना। आ करो आ करो ना ऐसे नहीं करते। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डे टू की जर्नी एंड अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन टुडे विल बी टू क्रॉस दिल्ली एटलीस्ट। हल वाटी चूरमा हम है देसी सुरमा गाइस। हम लोग अभी राजस्थान में हैं एंड द आउटसाइड क्लाइमेट इज बहुत गरम गरम बट इनसाइड इट इज लिटिल कूल। देखते हैं अभी आगे क्या मिलता है अपने को। चलो क्या बोलती है अलका? कुछ नहीं, मजा आ रहा है। अलका यहाँ पे ना पहाड़ी पहाड़ी दिख रही है और ना बहुत सारे किले हमको दिखाई दे रहे हैं फोर्ट्स। सो देखते हैं, देखेंगे आप देख सकते हो। चलो बंद करो इसको। Now we are in Rajasthan. यहाँ पर हम रुके हैं फॉर लंच। फर्स्ट अजमेर
और दिस इज दी ढाबा ऑन द जयपुर रोड, अजमेर रेस्टोरेंट, इसका नाम भी अजमेर रेस्टोरेंट है। I'm not sure अगर आप देख सकते हो कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। After lunch, हमारा next aim will be to cross Jaipur before it turns dark. एक हिमाचल के ट्रक ड्राइवर ने हमें बताया है कि अगर हम आगे से लेफ्ट लेंगे towards पानीपत तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। We have decided to take the पानीपत route, but left लेते ही हमें ऐसा लगा कि this road is little scary and secluded. So we decided to halt in the nearby hotel. So guys, as decided, we have reached Delhi, but Delhi पहुंचने के बाद we realized कि हमारा जो route है इट इज़ थ्रू पानीपत। तो हमने गुड़गांव से पहले ही एक्चुअली टर्न मार लिया था टूवर्ड्स पानीपत, एंड राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन दिस होटल विच इज़ ऑन द वे टू द पानीपत रूट गोइंग टूवर्ड्स हिमाचल। तो ये हाईवे पे ही है एंड इट्स अ वेरी नाइस होटल एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, सो वी विल बी हैविंग आवर क्विक डिनर एंड आई विल जस्ट शो यू हाउ इट एक्चुअली लुक्स। Today is the third day of our travel and I hope the last day to reach our destination. सुबह के बज चुके हैं 7 और हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पर हम रुके हैं फॉर अ क्विक ब्रेकफास्ट। So guys, we have taken a break here for the breakfast. माचा हमारी गाड़ी को साफ कर रहा था। नहीं, साफ नहीं कर रहा है माचा। ब्रेकफास्ट के बाद हम अब चलने वाले हैं नॉन स्टॉप टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। हाय गाइस, सो वी हैव ड्राइव अराउंड 250 किलोमीटर्स टूवर्ड्स हिमाचल एंड राइट नाउ वी हैव टेकन अ शॉर्ट ब्रेक फॉर अ क्विक ब्रंच। यहाँ पे है बर्गर किंग, पंजाबी में लिखा है देखो बर्गर किंग, और जाके देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, अ प्लेस कॉल्ड एज खरड इन पंजाब वेयर वी हैव टेकन अ स्टॉप लाइक दैट। राइट, सो यू कैन सी अलका शो शी सो टायर्ड, गाड़ी चलाया नहीं इसने अभी तक, फिर भी टायर्ड। मैं सुबह से गाड़ी घुमा रहा हूँ। चलो ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय। After the quick pet puja, we will now cross the Punjab border. Finally, we have entered Himachal. Himachal enter करते ही पहले आएगा मेरा गांव जिसका नाम है उन्ना district. But हम जा रहे हैं अलका के घर जो है around 2-3 hours from उन्ना. यहाँ पर हम रुके हैं for a tea. So guys, finally we have reached Himachal और हम लोग अभी just उन्ना पहुँच गए हैं and we have halted here उन्ना से थोड़ा सा आगे for a tea break. यहाँ पर हम लोग अभी टी ब्रेक लेने वाले हैं। आई विल जस्ट किस में, इन लोग में, हाँ इन लोगों को टाइम है।
एंड दिस इज द प्लेस। ठीक है मम्मी चलो बाय। इसके बाद हम चलने वाले हैं नॉनस्टॉप, यहाँ से हमारी एक्चुअल माउंटेन चढ़ाई स्टार्ट होती है। चला जाओ ऊपर। एक मिनट सामान डाल देते हैं बड़ा वाला। सामान यहाँ पे उतारे कहाँ उतारे? हाँ देखा लाइट नहीं आ रही है। So guys, we have finally reached our destination. ये है हमारा गांव, आपको शायद रात को दिख रहा नहीं होगा। सब सो चुके हैं, हम ज्यादा आवाज नहीं करते, अभी चुपचाप घर में जाने वाले हैं। चलो गाइस, I'll show you tomorrow morning the view. Thanks. Bye. I hope you have liked the video. Do like, share and subscribe to Street Stories for more such videos.